दोस्तों क्या आपके व्हाट्सएप में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? मान लो कि दोस्तों अगर आप किसी को भी वीडियो कॉल करते हैं तो दोस्तों वीडियो कॉल लग तो जाती है, दूसरा बंदा उठा भी लेता है, पर दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे बंदे को जो है वो आपका फेस दिखाई नहीं देता। जैसे ही आप वीडियो कॉल करते हैं आपको तो जो है वो दूसरे का फेस दिखाई देता है, पर दूसरे बंदे को जो है वो आप क्या कर रहे हो, आपका फेस जो है वो दूसरे बंदे को दिखाई नहीं देता, या उल्टा होता है, दूसरे बंदे को आपका फेस दिखाई देता है, आपको दूसरे बंदे का फेस जो है वो दिखाई नहीं देता। अगर दोस्तों आपके व्हाट्सएप की वीडियो कॉल में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो है वो फोन की सेटिंग में जाना है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। फोन की सेटिंग में जाने के बाद में अपने मोर सेटिंग पर करना है क्लिक, उसके बाद में एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर करके उसके बाद में ऑल पर कर देना है क्लिक। उसके बाद में आपके मोबाइल फोन में जितनी भी एप्लीकेशन होगी वो आपको यहाँ पर जो है वो शो हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर जो है अपने व्हाट्सएप को ढूंढना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है अपने व्हाट्सएप को ढूंढ लेता हूँ और जैसे ही मुझे व्हाट्सएप दिख जाएगा तो मैं उस पर जो है वो क्लिक कर दूंगा। जैसे कि ये मेरा व्हाट्सएप हो गया तो मैं इस पर कर दूंगा क्लिक। जैसे ही मैं व्हाट्सएप पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में मेरे को करना क्या होगा, मेरे को यहाँ पर जो है वो परमिशन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, मेरे को यहाँ पर परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर चेक करना है कि मेरे यहाँ पर जो है वो सभी ऑप्शन ऑन है। अगर तो सभी ऑप्शन ऑन है तब तो ठीक है, अगर यहाँ पर जो है वो कोई भी ऑप्शन ऑफ हुआ तो आपने इसे ऑन कर देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपके सभी ऑप्शन ऑन है फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने करना क्या है, आपने एक बार जो है वो अपना व्हाट्सएप अगर आपका जो है वो प्ले स्टोर पर जाकर आपने चेक करना है कि अगर आपका व्हाट्सएप जो है वो अपडेट के लिए आया है तो आपने अपने व्हाट्सएप को जो है वो अपडेट कर लेने। जैसे दोस्तों आप अपडेट कर लोगे उसके बाद में फिर से आपने चेक करना है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर दोस्तों आपके व्हाट्सएप जो है वो अपडेट करने के बाद में भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो दोस्तों आपने करना क्या है, आपने जो है वो अपने व्हाट्सएप को जो है वो एक बार डिलीट करके जो है वो फिर से डाउनलोड करना है दोस्तों, क्योंकि व्हाट्सएप में जो है वो कई बार बग आ जाते हैं जिसके कारण जो है वो आपको ये प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो आपने अपने व्हाट्सएप को एक बार डिलीट करके उसके बाद में फिर से डाउनलोड करना है, उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम जो है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।